क्या कहना चाहेंगे आज आप पहले अध्यक्ष कहे जाएंगे झंझारपुर क्षेत्र के, किस जोश के साथ आगे बढ़ते चले? हम लोग जो है परम आदरणीय श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल प्रसाद यादव जी और हम लोग आदरणीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के विचारों को, जो सामाजिक न्याय, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई के आवाज़ों को हम लोग जन जन तक पहुँचाने की उनके सिपाही है, वहाँ तक हम लोग जाएंगे बूथ स्तर तक। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम रवि रंजन कुमार राजा, जिला अध्यक्ष युवा राजद। इससे पहले आपका कभी बैकग्राउंड जो पॉलिटिकल रहा है? जी, प्रदेश महासचिव युवा राजद। और क्या कहना चाहेंगे अगले आने वाले विगत 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर, किस तरीके की रणनीति को लेकर पार्टी के साथ आप बढ़ते हैं? हम लोग जो है 2025 के चुनाव की जो रणनीति वो समझिए फूट चुका है, अगला साल मात्र चुनाव है। हम लोगों को नेता ने जो है सो सेना बना के भेजा है कि भाई जाओ और बूथ बूथ जाके और गाँव कस्बा मोहल्ला में जा करके अपने विचारों को, जो नेता का जो विचार है सामाजिक न्याय, और जो हमारे अभी विधायक जी भी ने बताया कि हम लोग की इतनी आबादी है और राज कर रहा है कोई और, इस चीज़ को और गलत नीतियों के कारण सब दबे कुचले जा रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में कौन कौन से गणमान्य व्यक्ति आए हुए? यहाँ पे माननीय विधायक जी लौखा भरत भूषण मंडल जी, श्री राजकुमार यादव जी वरिष्ठ राजद नेता है, श्री राम कुमार यादव जी वरिष्ठ राजद नेता है, श्री धर्मेंद्र कुमार यादव जी प्रदेश महासचिव युवा राजद है, हम लोग के मधुबनी के जिला अध्यक्ष श्री इंद्रभूषण यादव जी हैं, यहाँ के झंझारपुर के मेयर विंग के श्री वीर बहादुर राय जी हैं जिला अध्यक्ष, इसके बाद ये हैं हम लोगों के उमेश यादव जी हैं प्रखंड अध्यक्ष जयनगर हैं, प्रदीप बाबू हैं, शशि जी हैं, सारे हमारे मतलब मित्र भाइयों साथियों सारे लोग आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से राजद की तरफ से, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग अपने नेता के विचारों को जन जन तक पहुँचाएंगे और हम अपने संगठन को उदारदार करेंगे, ताकि नेता का जो विचार है सामाजिक न्याय के विचारों को हम लोग व्यक्ति तक डोर टू डोर पहुंचावें, यही काम। युवाओं में जो बढ़ते जोश को लेके आदरणीय तेजस्वी यादव ने कहा था अगर समाज का कल्याण हो तो सबसे पहले युवाओं को आगे बढ़ना, युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को यही संदेश देंगे कि आप जब संगठित होइएगा, जब आप किधर चलिएगा इतिहास उधर जाता है, और देश का संविधान खतरे में है, देश का आरक्षण खतरे में है, देश का दलित और आदिवासी का आरक्षण खतरे में है। अभी आपने देखा कि 2-3 दिन पहले देश भर में दलितों ने आरक्षण खतरे के सवाल पर भारत बंद का नारा दिया था, कि उन्होंने मांग किया है कि सुप्रीम कोर्ट जो हमारे आरक्षण में वर्गीकरण लाता है, हमारे आरक्षण को समाप्त करता है, खुद वह आरक्षण का फायदा लेकर आज़ादी के बाद से आज तक कॉलेजियम सिस्टम बना के और उस केस में जज का बेटा जज बन रहा है। मात्र देश में 150 परिवार है, आज तक उसी के घर से जज पैदा होता है। वरिष्ठ नेता होने के नाते आगामी विधानसभा चुनाव में क्या मार्गदर्शन आप देना चाहेंगे? विधानसभा में मार्गदर्शन क्या, सभी युवाओं को, युवाओं को संगठित होना है, और जो धर्म के प्रति अंधभक्त बना रहा है भारतीय जनता पार्टी और RSS, जो समाज के अंदर में विभाजन पैदा कर रहा है आज युवाओं के बीच में, उस विभाजन को रोकना है, और जो मूल समस्या है युवा का रोजगार, उसके लिए और शिक्षा के लिए संघर्ष करने के दिशा में प्रदेश महासचिव युवा राजद। क्या जोश लाएंगे आप युवा में? आज जो समारोह था झंझारपुर के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष युवा राजद रजत कुमार राजा जी का समारोह में पूरे जिला भर से तमाम युवा साथी और वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इतनी समय देकर के युवाओं ने अपना समय दिया है, और साथ ही युवा राष्ट्रीय जनता दल का जो मुहिम है, जो हमारा संख्या ज़्यादा है, हमारा सब कुछ है, लेकिन वोट टर्न नफरत की राजनीति बीजेपी की जो है, देश छोड़ने की जो राजनीति है, उसको जवाब देना है। और प्रत्येक यूथ, 5 यूथ जो चुनाव के वक्त भी हुआ झांसा में ला करके अपने में वोट कन्वर्ट करवा देना है, हमारा वोटर जो है उसको अपने पक्ष में वोट कराएंगे कि आपको गुमराह नहीं करे, हमारा राजद वहाँ तक काम करेगी युवा राजद। चलिए, और क्या कह रहे हैं आप लोग की चल रही है खासकर युवाओं की? 25 का जो चुनाव है जरूर ही सही सारे संस्थाएं मिलकर तेजस्वी जी को भक्ति देखना चाहते हैं, और आप देखे हैं कि तेजस्वी जी का जो मौका मिला युवाओं में एक अनोखा देखने को मिला, युवाओं को रोजगार मिला, स्वास्थ्य अच्छा, हॉस्पिटल में जाएगा अच्छा स्वास्थ्य देखने को मिला, अच्छा प्रशासन देखने को मिला, हो रहा था लेकिन यह अच्छा नहीं लगा मोदी जी को, नीतीश सजा को दूसरी सजा फिर पलट गए, ये अल्टा पलट चलता रहेगा, लेकिन हम लोग को इसके घबराना नहीं है, और वो तेजस्वी जी के नेतृत्व में जितनी सरकार बना लेंगे उस दिन असली हक युवा को, पूरे प्रदेश के युवा को। रंजन जी के लिए आप लोग हमेशा बने रहेंगे।
रंजन राजा जी के बनने से झंझारपुर में एक अलग लहर आएगी, युवाओं में एक अलग संचार होगा और वह लहर पार्टी के लिए बिल का पत्थर साबित होगा और पार्टी को हर संभव पीठ पर खड़ा रहेगा कि हमारा राजद एक अलग ढंग की राजनीति जो कर रही है, जो समाज की जोड़ी की राजनीति कर रही है, उसमें हम लोग तनबंधन से आगे बढ़ करके माननीय केसरी जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे। आप तो वरिष्ठ नेता है राजद के, क्या संदेश दिए युवाओं को? युवाओं को यही संदेश दे रहे हैं कि युवाओं के कंधा पर बहुत बड़ा बोझ है। युवा भी तेजस्वी यादव भी युवा ही हैं और देखा जो उप मुख्यमंत्री रहते हुए कैसे उन्होंने 4-5 लाख के करीब सरकारी नौकरी लोगों को दिया। राजनीति में जो लोग बोलते हैं वो करते नहीं। जिस तरह नरेंद्र मोदी जी कहते 2 करोड़ लोगों को हम रोजगार देंगे हर साल और 15-15 लाख देंगे, तो देखे जो भाग के 3 पात हो गए, कहते ये जुमला है। लेकिन तेजस्वी जी चूँकि जो बोले हैं वो किए हैं, इसीलिए उसी को लेकर के हम लोग जन जन तक पहुँचाएंगे। तो तेजस्वी यादव ने बोला है कि रोजी रोजगार का व्यवस्था होगा, पलायन जो बिहार से सबसे बड़ी समस्या है, जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, उसको रोजी रोजगार का व्यवस्था बिहार में नहीं है, रोजी रोजगार की व्यवस्था तेजस्वी जी के नेतृत्व में अगर सरकार बनती है उसका व्यवस्था यहाँ होगा, जो गरीबों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। चलिए धन्यवाद। हम लोग का शुरू से ही नई शिक्षा नीति, बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी, ये 3 चीज़ों पर हम लोग काम किया जिसका रिजल्ट आया है। हमारे जो युवा मुख्यमंत्री जिसको हम लोग बनाना चाह रहे हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, वह युवा ही है। तो युवा ही हम लोग उसके लिए जो है सो कर्म करने के लिए और मरने के लिए तैयार। हम लोग पूरे हम लोग हमारे पार्टी का और युवा राजद का जो फंडा है वह फंडा है कि पर बूथ तक, वार्ड तक हम लोग का बूथ तक जाएंगे। हाँ, अच्छा, पर बूथ वन बूथ 5 यूथ। अच्छा, पर हर बूथ पे 5 युवा को खड़ा करेंगे। 5 युवा को खड़ा करेंगे और पूरे संगठन को धारदार बना के और युवा शक्ति को एकदम मजबूत करके और युवा के जो हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जो अभी पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं उनको मुख्यमंत्री बनाने का। क्या उमेश यादव राजद प्रखंड अध्यक्ष जयनगर एथनिक मुखिया, क्या संदेश लेकर आप यहाँ से जाएंगे जयनगर वालों के लिए? हम यहाँ से आज युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से आज जनक जननी सीता जी माँ धरती पे आज हमारे नए अध्यक्ष जो मनोनीत हुए हैं रंजन राजा जी, मैं इनको शुभकामना दिया हूँ। साथ में तमाम युवा साथी आज चट्टानी एकता के साथ संकल्पित हुए हैं जो 2025 के विधानसभा में जैसे गेहूं का रोटी तवा में और NDA इस बार हो जाएगा बेरोजगारी की हवा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यू तो आप देख रहे थे यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था युवा राष्ट्रीय जनता दल के लिए, क्योंकि झंझारपुर के जिला अध्यक्ष के तौर पर युवा राष्ट्रीय जनता दल के युवा राजद के जो अध्यक्ष के तौर पर रवि रंजन कुमार राजा जी को मनोनीत किया गया है यहाँ पे उनको सम्मानित करने के लिए। साथ ही साथ जो भी राजद के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक के हो, साथ ही साथ जो भी वरिष्ठ नेता है सबको सम्मानित किया गया। और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे मधुबनी हलचल।